हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सकड़क चैनल पर। दोस्तों, ये है मेरी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो जिसमें मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ मोटो E4 प्लस। और पहले इसकी ज़रा बॉक्सिंग देखें तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ही प्यारा जो है यहाँ पर आपको बॉक्स मिलता है। इसके अंदर देखते हैं आपको कैसा सेट मिलता है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल रही हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर इस चार्जर की, और ये है फास्ट सपोर्टिंग चार्जर, और इसकी मदद से आप जो है अपना फ़ोन बहुत जल्दी चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कंपनी का दावा है। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो है एक लीड मिल रही है। लीड की क्वालिटी क्या है मुझे नहीं पता, इसको यूज़ करके आपको देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ यहाँ पर आपको जो है एक डाटा केबल मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है नॉर्मली मिल जाती हैं। उसी के साथ यहाँ पर आपको एक जो है गाइड वाली एक कॉपी भी है जिसमें आप जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर आपको सारे फ़ोन के अंदर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस फ़ोन की। तो इस फ़ोन को दिखाने से पहले मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से हटा देता हूँ, और अब ये देखिए इसका लुक वाइज कि लुक में जो है कैसा है। तो काफ़ी स्टनिंग फ़ोन ये दिख रहा है। ये पूरी मेटल बॉडी है पीछे की तरफ, और इसके अंदर आपको यहाँ पर 5000 mAh की जो यहाँ पर आपको बैटरी मिल रही है। काफ़ी ह्यूज बैटरी है, 10,000 रुपये के अंदर आपको ये फ़ोन मिल रहा है। इसी के साथ नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको स्पीकर्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं, और यहाँ पर आपको जो है एक होल दिख रहा है आप, ताकि जो है अपने कोई लीड जो है इंसर्ट इसमें कर सकें। बाकी इस साइड में जो है आपको यहाँ पर कीज़ मिल रही हैं, मेन स्विच और वॉल्यूम कीज़ हैं। इस साइड में जो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब आप जो है सिम है आपको जो है यहाँ पर इस मेटेलिक बॉडी को हटाना पड़ेगा सिम डालने के लिए। और यहाँ पर और एक यहाँ पर जो है दो सिम आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नैनो सिम विद माइक्रो SD कार्ड। तो आप जो है इसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैटरी आप रिमूव इसको नहीं कर सकते हैं, बैटरी यहाँ पर आपको जो है नॉन रिमूवेबल है। तो अब इसको जो हम यहाँ पर खोल लेते हैं और इसके अंदर अब चलते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो मैं भूल गया बताना, कि यहाँ पर आपको जो है एक फिंगरप्रिंट भी मिल रहा है जो कि इस फ़ोन में आपको सामने की तरफ मिलेगा। तो ये इसमें जो है खास चीज़ है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कैमरे की। तो इस फ़ोन के अंदर कैमरा कैसा है, तो मैंने यहाँ पर जो है दो पिक्स ली थी। तो दोनों पिक्स, तो पहली जो पिक है मैंने यहाँ पर ये ली थी 5 MP कैमरे से, जो कि है फ्रंट का कैमरा विद LED फ्लैश। ये विदाउट LED फ्लैश मैंने ली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी जो है यहाँ पर ठीक ठाक है, और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, मतलब मीडियम है यहाँ पर क्वालिटी। और उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बैक के कैमरे की, बैक का कैमरा जो है यहाँ पर आपको जो है 13 MP का कैमरा है यहाँ पर बैक का। और लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों पिक्स में ये एक बात नोटिस करी है कि यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खिलकर उभर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें खास है, बाकी जो कैमरा है वो मीडियम है। उसी के साथ अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेटिंग में जाकर के, अगर हम देखें कि स्टोरेज आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है 10,000 रुपये के फ़ोन के अंदर, तो यहाँ पर आपको 32 GB जो है यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है। आपको SD कार्ड भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, 128 GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं SD कार्ड डाल करके मेमोरी को, और 32 GB आपको वैसे ही मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम रैम की बात करें तो रैम यहाँ पर आपको जो है 3 GB रैम यहाँ पर आपको मिलती है इस फ़ोन के अंदर। और यहाँ पर जो है एंड्रॉयड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड जो है 7 मिल रहा है, मतलब लेटेस्ट वाला एंड्रॉयड है नोगट। तो ये जो है इसमें खास चीज़ है। तो बाकी जो है अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर प्रोसेसर जो है यहाँ पर आपको जो है मीडिया टेक का मिल रहा है, मीडिया टेक MTK 6737 प्रोसेसर, जो कि जो है एक मीडियम प्रोसेसर, मतलब आप जो है इसको बहुत ज़्यादा न्यू नहीं कह सकते, मतलब मीडियम जो है प्रोसेसर है। तो इस प्रोसेसर का होना इसका मतलब यह है कि अगर आप कभी गेम्स खेलेंगे तो इसमें जो है आपको गेम्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी अगर आप इसमें कुछ भी जो है चीज़ें आप चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं, आप जितनी मर्जी जो है वीडियोस देखें, आप ब्राउजिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप गेम्स नहीं खेलेंगे तो आपको जो फ़ोन है वो मक्खन बिल्कुल चलेगा। आपको जो है फ़ोन आपको जो है गेम्स के अंदर जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस प्रोसेसर के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम बात करें यहाँ पर इसके वज़न की, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। 5000 mAh की बैटरी के वजह से जो है इसका वज़न जो है 180 ग्राम हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी नॉर्मल फ़ोन से जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। और सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन के बारे में नहीं बताया कि स्क्रीन जो है यहाँ पर आपको 5.5 इंच जो है HD जो है डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रही है, फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। उसी के साथ अब यहाँ पर क्या बचता है, तो यहाँ पर अब सेंसर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मैग्नेटोमीटर मिलता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, और एक्सेलेरोमीटर सेंसर मिलता है, और M8 लाइन सेंसर।
और कौन कौन से सेंसर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको गायरोस्कोप, बैरोमीटर और टेम्परेचर सेंसर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी, बैटरी वगैरह सब कुछ चीज़ें बता दी आपको मैंने। तो इस फ़ोन का जो एंड ऑफ ऑल अगर मैं कहूँ तो इस फ़ोन का जो मोटो है वो यही है, मोटोरोला का मोटो, कि 5000 mAh की बैटरी के साथ वो आपको ऐसा फ़ोन देना चाहता है जो बिना चार्ज करे जो है काफ़ी लंबे समय तक चल सके, इसलिए जो है फास्ट सपोर्टिंग चार्जर भी आपको दिया है। तो अगर आप जो है बहुत ज़्यादा यूजी हैं फ़ोन्स को लेकर के, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और गेम्स अगर आपको पसंद नहीं है इतनी, तो ये फ़ोन है आपके लिए। तो दोस्तों अगर आपकी कोई और दूसरी राय भी है तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करें यार ज़रूर, और सपोर्ट करिए मुझे और भी जो है, ताकि जो है मैं आपको और भी अनबॉक्सिंग जो है वीडियोज़ लाता रहूँ आपके लिए, और भी कुछ जो है हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और खुश रहिए।